द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्रिकेट मैच देखने गए सलमान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह उसका आखिरी मैच और जिंदगी का भी आखिरी ही दिन होगा। दरअसल सलमान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और यह हत्या किसी और ने नहीं, वही नफरती हिंदूवादियों ने की है जिन्हें मुसलमानों से इतनी चिढ़ होती है। सलमान हाल ही में शादी किए थे, पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब वो मैच देखने गए, महज 23 वर्ष की उम्र थी उनकी, मैच देखने गए और वहाँ ऐसे नफरती गैंग के शिकार हो गए। ऐसे हिंदूवादियों ने उन्हें टारगेट किया कि पीटते पीटते, बेरहमी से पीटते पीटते उनकी जान ले ली। और वहाँ कहा जा रहा है कि 5,000 से अधिक भीड़ जुटी थी और भीड़ तमाशबीन बनी रही क्योंकि हिंदूवादियों का पूरा गैंग इन पर टूट पड़ा। किस बात की खुन्नस थी, क्या हुआ था? यह हैरान कर देने वाली खबर इसलिए है कि मुसलमानों को टारगेट करने का, टारगेट किलिंग करने का, भीड़ के शक्ल लेकर ऐसे नफरती हिंदूवादियों के द्वारा मुसलमानों पर निशाना साधने का जो यह सिस्टम है, जो यह खेल है, हृदय विदारक है और इतना गुस्सा दिलाता है कि वो बेचारा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बेरहमी से सलमान की हत्या कर दी गई। ऐसे मामले में क्या प्रशासन भीड़ तंत्र के नाम पर सबको छोड़ देगा? क्या ऐसे नफरती हिंदूवादियों पर कोई कार्रवाई होगी? पूरी घटना आप जरूर जानना चाहेंगे कहाँ की है। यह पूरी घटना गुजरात की है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री के गृह राज्य, हमारे गृह मंत्री के गृह राज्य के गुजरात की यह घटना है जहाँ पर एक बार फिर से मुसलमान को भीड़ ने अपना शिकार बनाया है। द क्विंट पर रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट में कितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जाकिर अली त्यागी ने जो पॉइंट शेयर किए हैं उसे भी जान लेना जरूरी है। जाकिर अली त्यागी ने तस्वीर भी साझा की है, वीडियो भी है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ टूट पड़ती है उसे मारने के लिए। लेकिन यह बहुत हृदय विदारक दृश्य है, बस आप इसे दूर से ही देखें तो ज़्यादा बढ़िया। और जो शख्स हैं सलमान जो शिकार हुए, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं कि उनके साथ क्या सलूक हुआ है। ऐसे में हर कोई स्तब्ध है कि यह देश में चल क्या रहा है। नफरत की खेती करने वाले अपने मंसूबे में इतने सफल हो गए कि वन, जो असम के वन कर्मी हैं, वन अधिकारी हैं, वो मछली पकड़ रहे दो मुस्लिम युवकों को गोली मार देते हैं। और आज भीड़ के शक्ल में आपने देखा कि क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा क्या हुआ, आरंग में, वहाँ 3 मुस्लिम युवकों की हत्या कर दी गई और फिर बाद में पकड़ा गया तो हरीश मिश्रा और राजा अग्रवाल पकड़ाता है। सोचिए कि क्या मानसिकता हो गई है कि मुसलमान है तो उसका खून कर दो, उसका जान ले लो। अब यह जो खबर आई है गुजरात से, क्या कुछ इसमें कहा गया है जरा देखिए। पुलिस को जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, गुजरात के चीखोदरा में क्रिकेट टूर्नामेंट देखने गए सलमान वोहरा 23 की जय श्री राम के नारे लगाते हुए लिंचिंग कर हत्या की गई। सलमान की 2 माह पहले ही शादी हुई थी। वह 22 जून को चीखोदरा में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल देखने गया था, लेकिन मैच में मुस्लिम खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देख 15-20 लड़कों की भीड़ ने जय श्री राम व मारो मारो कहते हुए कई मुस्लिम युवकों पर हमला बोल दिया। सलमान का कान काटने के बाद उसको इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सलमान की 2 माह पहले ही शादी हुई थी और उसकी पत्नी मशीरा कुछ हफ्ते की प्रेग्नेंट है। अब जाकिर अली त्यागी भी इस घटना से आहत हैं। उन्होंने DGP गुजरात को, होम मिनिस्टर अमित शाह को, PMO इंडिया को ट्वीट में टैग करते हुए लिखा भी है, मुस्लिमों की हत्या कर देश का माहौल खराब करने वालों गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यदि की जा रही है या की जाएगी तो करने में इतनी देरी क्यों? किसी आरोपी को
और इतना सजा देकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर अल्पविराम लगाने में क्या समस्या है? अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग संरक्षण कैसे पाते हैं। पिछले साल हरियाणा में मोनू मानेसर मौज में रहा, उसने जुनैद नासिर को जिंदा फूंक दिया, ऐसा आरोप उस पर लगा, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के घटना के बाद जिन लड़कों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उसे बचाने के लिए हिंदू संगठन ने थानों का घेराव कर लिया। और अब गुजरात के इस जगह पर चीखोदारा में जो टूर्नामेंट हुए, वहाँ यह शख्स मैच देखने पहुँचा और अपनी जिंदगी गवा बैठा, क्योंकि यहाँ नफरती हिंदूवादियों ने इन्हें टारगेट कर लिया। द क्विंट ने इस संबंध में क्या रिपोर्ट दी है और क्यों इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से जानने की जरूरत है, यह जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। द क्विंट ने उसी खबर की तस्वीर साझा करते हुए और बैकग्राउंड में भीड़ को दिखाते हुए हेडलाइन में लिखा है कि गुजरात क्रिकेट मैच के दौरान मुस्लिम व्यक्ति पर बल्ले और चाकुओं से हमला, अस्पताल में मौत। सलमान के चाचा ने बताया कि उसकी शादी 2 महीने पहले ही हुई है, उसकी पत्नी मशीरा भी कुछ सप्ताह की ही गर्भवती है। अब ये सोचिए यह कितने जो दर्दनाक, कितने विभत्स बातें हैं, यह समझना पड़ेगा। देश जो है हैरान है। एक और जहां मुसलमानों को इस देश में अलग थलग करने की कोशिश है। आज हाल ही में आप जानते हैं कि अमेरिका से एक फिर रिपोर्ट आई नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। यह कहा गया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो फिर भारत सरकार को मिर्ची लगी है। यहाँ पर खुले तौर पर कहा गया कि किस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने की बजाय यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने के लिए जो है धर्म विरोधी कानून बनाए जाते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्या प्रशासन की नींद खुलेगी? क्या ऐसे कट्टरपंथी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? कैसे हिंसा की शुरुआत हुई वो तो हम आपको बता दिए कि क्रिकेट मैच में जो प्रदर्शन देखा गया, मुसलमानों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते वो उन्हें टारगेट करने की कोशिश हुई और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने सलमान को निशाना बनाया और कहा कि तुम अपने पार्किंग से मोटरसाइकिल साइड करो, और फिर वहीं से विवाद होने लगा, सलमान को टारगेट करने लगे। कहा जा रहा है कि सलमान को टारगेट करने के लिए जब तक भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो सलमान इधर उधर हो गए थे, तो सुहेल नाम के शख्स को ही सलमान समझकर लोगों ने पीटना शुरू किया। सलमान समझ गए कि उन्हें ही खोजा जा रहा है और वो कूद पड़े सुहेल को बचाने के लिए, लेकिन तभी जो भीड़ ने इन्हें ऐसा टारगेट किया, ये एकदम से कहते ना अधमरा हो गए थे, उठने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो गई थी, लोग बेरहमी से पीट रहे थे। उस जो नफरत भरे जो घटना को अंजाम दिया उन कट्टरपंथियों ने, उसके जो विजुअल आप देख रहे, इतनी भीड़ है, इस भीड़ में जो कुछ हुआ वो रूह कपा देने वाला था। अब ऐसे में लोग हैरान हैं, जो वहाँ पर घटना को देखे उन्होंने क्या कहा है, देखिए द क्विंट का कहना है। कुछ लोगों ने उसे उठाया, क्योंकि जब लोगों ने यह मान लिया कि सलमान में अब कोई ऊर्जा या इच्छा शक्ति नहीं बची है, तो उन्होंने उसे मारना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने उसे उठाया, पानी पिलाया और एम्बुलेंस को भी बुलाया। एम्बुलेंस उसे पास के अस्पताल ले गई, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एक बड़े निजी अस्पताल में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही वे दूसरे अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से बात की, सलमान ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर तो इतने विभत्स रूप से इन पर हमला किया गया था, जिसे जो भी जाना वो हैरान रह गया। सलमान के चाचा ने द क्विंट से बातचीत की, उन्होंने जो बताया कि क्या हालत थी सलमान की मार पिटाई के बाद उसकी जब डेड बॉडी आई, तो ये देखिए कहा जा रहा है, मैंने उसका शव देखा, उसके दाहिने हाथ पर निशान थे, उसकी आंखों के नीचे कट के निशान थे, उसके कान को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था, वास्तव में हमलावरों ने उनका कान लगभग काट ही लिया था, चाकू के घाव से उसकी किडनी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो सबसे बड़ा घाव था उसकी कमर के निचले हिस्से और गर्दन पर भी वार किया गया था, इसलिए उसके शरीर के इन हिस्सों से बहुत खून बह रहा था। अब ये कोई भी देखेगा तो बेचैन होगा और यह खबर बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या गुजरात का सिस्टम ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है?
अगर है तो कार्रवाई करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।